सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नदर वीडियो। सो इस वीडियो का टॉपिक है वैल्यू स्टडी। सो वैल्यू होता क्या है? वैल्यू का मतलब है कलर कितना डार्क है और कितना लाइट है ऑन द स्केल ऑफ ब्लैक एंड वाइट। सो वैल्यू जो होता है वो किसी भी पेंटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक रूल है। सो जब आपको किसी भी कलर का वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आप उसमें वाइट और येलो कलर ऐड कर दीजिए। जब भी आपको किसी भी कलर का वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आप उसमें ब्लू एंड ब्लैक ऐड कर दीजिए। सो वैल्यू का कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए सेलेक्ट करते हो तो उस पिक्चर में कलर रहता है, बट आप ऐसा अज्यूम करो कि आपने उस पिक्चर से कलर को निकाल दिया तो उसमें क्या बचेगा? बस ब्लैक एंड वाइट बचेगा। तो ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो उस कलर का वैल्यू होता है। सो उसमें वाइट जो होता है वो हाई सबसे हाईएस्ट वैल्यू का होता है और ब्लैक जो होता है वो सबसे लो वैल्यू का होता है। सो इसीलिए आर्टिस्ट को ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि उनको पहले ड्राइंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, पेंसिल ड्राइंग का, पेंटिंग करने से पहले, जिससे कि उनका वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो अभी मैं इस वीडियो में आपको वैल्यू स्केल बना के वैल्यू की कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर करूँगा, और मैं आपको कलर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट को ऐड करके शो करूँगा कि कैसे वैल्यू को बढ़ाते हैं और कैसे कम करते हैं किसी भी कलर में। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। सो मैंने पहले से यहाँ पे एक वैल्यू स्केल को बना के रखा है, तो इसके लिए मैंने क्रिमसन कलर का यूज़ किया है। तो ब्लैक एंड वाइट कलर को यूज़ करके मैंने इसकी वैल्यू को कम और ज़्यादा किया है। तो इसी तरह से अभी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का वैल्यू स्केल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ इसकी वैल्यू स्केल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कलर का वैल्यू स्केल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कलर को वैल्यू स्केल के एकदम मिडिल में अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ करके उस कलर का वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कलर की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए किया है और वाइट कलर का यूज़ कलर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए किया है। सो अभी हम येलो कलर की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं। सो जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैंने येलो कलर में ब्लैक कलर को मिक्स किया है, तो ये जो मिक्सिंग का अमाउंट है ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सो हमें इसे कम से ज़्यादा में मूव करना है। सबसे पहले शेड में मैंने ब्लैक कलर को कम अमाउंट में लिया, फिर उसके बाद वाला शेड में ज़्यादा अमाउंट में, तो ये जो अमाउंट है ये बढ़ते जाएगा। सो अभी हम येलो कलर का फोर्थ शेड में काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं थर्ड शेड के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लैक कलर अप्लाई करूँगा, जिससे कि इसका जो शेड है वो थोड़ा डार्क रहे। सो अभी हम फिफ्थ शेड में काम कर रहे हैं, तो फिफ्थ शेड में काम करने के लिए मैं येलो कलर में ब्लैक कलर को ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करूँगा, जिससे कि इसका जो फिफ्थ शेड है वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट रहे। सो इसी तरह से आप ब्लैक कलर का यूज़ करके किसी भी कलर का वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसमें ब्लैक कलर को धीरे धीरे ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करके उसके डिफरेंट शेड्स फॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर लिया, तो अब मैं वाइट कलर का यूज़ करके येलो कलर की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा। तो सबसे पहले हमें थोड़े अमाउंट में वाइट कलर अप्लाई करना है। सो जैसे जैसे ये वैल्यू स्केल मूव करेगा हमें वाइट कलर को ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करना है और कलर का जो वैल्यू है उसको और बढ़ा देना है। सो जैसे जैसे हमें येलो कलर का वैल्यू बढ़ाना है वैसे वैसे हम वाइट कलर ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करते जाएंगे। तो अभी हम थर्ड बॉक्स में हैं। सो थर्ड बॉक्स के बाद हम फोर्थ बॉक्स में वाइट कलर का अमाउंट को बढ़ा देंगे, फिर इसके बाद हम फिफ्थ बॉक्स में वाइट कलर का अमाउंट को और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम येलो कलर का जो वैल्यू है उसको स्केल कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ करके। सो अभी हम मूव कर रहे हैं ग्रीन कलर में। सो सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल कलर को वैल्यू स्केल के बीच में अप्लाई कर लिया, इसके बाद हम इसमें ब्लैक कलर मिक्स करके इसका जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ करने का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में वैल्यू को डिक्रीज़ करने का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें सबसे कम अमाउंट का ब्लैक कलर मिक्स करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये वैल्यू स्केल आगे बढ़ेगा
वैसे वैसे ब्लैक कलर का जो अमाउंट रहेगा वो बढ़ते जाएगा। सो अभी हम नेक्स्ट शेड में मूव कर रहे हैं, तो अभी हम ग्रीन कलर में ब्लैक कलर को फिर से मिलाएंगे ग्रीन कलर का वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए। लेकिन इस बार हम ब्लैक कलर को ज़्यादा अमाउंट में मिलाएंगे प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में, और ये प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है जब तक कि ब्लैक कलर का जो वैल्यू है वो एकदम डार्केस्ट ना हो जाए। सो जब आप किसी भी पेंटिंग में कलरिंग करने के लिए कलर को मिक्स करते हो तो आपको वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए और आपको वैल्यू को स्केल करने आना चाहिए, और वैल्यू कम ज़्यादा कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी कलर को रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को ज़्यादा और कम कर सकते हो। सो अभी हम ग्रीन कलर के फाइनल शेड में मूव कर रहे हैं, तो ये शेड सबसे ज़्यादा डार्केस्ट होगा, सो इसीलिए हम इसमें ब्लैक कलर जब मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करेंगे। और इस तरह से ब्लैक कलर को मिक्स करके आप किसी भी कलर का वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं और डिज़ायर जेट ले सकते हैं अपने लिए। सो अभी हम वैल्यू स्केल के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और ग्रीन कलर का वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। सो वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। सो वाइट कलर को हम सबसे कम में पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, और लास्ट बॉक्स में जाके वाइट कलर का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। सो अभी हम वैल्यू स्केल का लास्ट बॉक्स में मूव कर रहे हैं। सो इस लास्ट बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि हम उसमें वाइट कलर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे। सो इसी तरह से आप अलग अलग कलर का वैल्यू स्केल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।